मुंबई में जीएसटी विभाग ने हाल ही में जीएसटी कर चोरी मामले में एक महामेट्रो ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया ठेकेदार टैक्स चोरी का दोषी प्रतीत होता है, लेकिन इसके लिए महामेट्रो के अधिकारी जिम्मेदार है। ऐसा आरोप जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार ने सोमवार को आयोजित पत्रकार परिषद में लगाया। महामेट्रो का निर्माण विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किया जाता है, इसके लिए टेंडर जारी किए गए हैं। प्रत्येक कथन में विस्तृत विवरण होता है कि प्रक्रिया कैसे काम करती है। ठेकेदार द्वारा काम करने के बाद उस काम का बिल महामेट्रो को जमा कर दिया जाता है। महामेट्रो प्रशासन इस बिल की जांच करता है। बिल पास होने के बाद ठेकेदार को बिल का भुगतान कर दिया जाता है। भुगतान से पहले ठेकेदार द्वारा जीएसटी, पीएफ, ईएसआईसी का इत्यादि सारी चीजें भरकर चालान मेट्रो प्रशासन को जमा करना होता है। सरकारी खजाने में जीएसटी, ईएसआईसी आदि राशि जमा होने के बाद ही ठेकेदार को राशि का भुगतान किया जाता है। यदि ठेकेदार ने सरकारी कर का भुगतान नहीं किया है तो मेट्रो प्रशासन को ऐसा भुगतान करना आवश्यक है। इन सभी टेंडरों के जरिए ठेकेदार ने सरकारी टैक्स का भुगतान किया है या नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी मेट्रो प्रशासन के पास है, तो इन सभी के लिए ठेकेदार सहित सभी संबंधित मेट्रो अधिकारी जिम्मेदार है, ऐसा आयोजित पत्रकार परिषद में कहा गया। सुधीर कंस्ट्रक्शन यांनी महा मेट्रो मध्ये जीएसटी चा कर चोरी प्रकरणामध्ये त्यांना मुंबईच्या जीएसटी कार्यालयाने अटक केली आहे। त्याचे खरे सूत्रधार जर त्यांना जीएसटीचं कर चोरी करण्याचं काम जर कोणी करायला लावलं असेल तर ते नागपूर महामेट्रोचे एमडी ब्रिजेश दीक्षित आहेत। त्यांना सगळ्यात पहिले अटक करायला पाहिजे। हा नुसता 9 करोड रुपये जीएसटीचा कर चोरीचं प्रकरण नाही तर कमीत कमी आमच्या शिंदे साहेबांनी सांगितलं 2000 करोडचं हा कर चोरीचं प्रकरण आहे। आणि त्याच्यामुळे ब्रिजेश दीक्षित हे भारत सोडून जायच्या पहिले त्यांचा पासपोर्ट आणि त्यांना ऑफिसमधून ते जर नागपूरला असतील तर नागपूर पुण्याला असतील तर पुण्याच्या ऑफिसमधून ताबडतोब अरेस्ट करायला पाहिजे अशी जय जवान जय किसानची मागणी। इस दौरान उन्होंने मांग की कि नागपुर का जीएसटी विभाग मेट्रो के सभी वित्तीय पहलुओं की जांच करे। महामेट्रो प्रशासन द्वारा ब्रिजेश दीक्षित को टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ठेकेदारों ने टैक्स चुकाने के बाद भी इनपुट टैक्स का भुगतान किया है। इस अवसर पर जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष प्रशांत पवार, विजय कुमार शिंदे, अरुण वनकर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।